Actually, we are very thankful to Dr. Ashish for this surgery. We were very much actually struggling with the weight. Because of that, we were having blood pressure, diabetes, but can see a lot of difference actually. And the way she has been operated, the treatment at the hospital is really, really, we are very much thankful, and we bless and we pray that he will grow and this hospital will really prosper. Thank you very much for changing our lives. एक्चुअली शुरू से हेल्थी तो थी पर सेकंड डिलीवरी के बाद ज़्यादा बढ़ गया और जब से दुबई गए तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया वेट वहाँ पे इतना वो वगैरह नहीं होता था तो काफ़ी परेशान हो चुकी थी वेट से तो सब चीज़ करके देखा तो उसके बाद फिर व्हाट ऑल दिस वेट ब्रॉट पहले आप किसी ये सब प्रॉब्लम्स थी बीपी डायबिटीज नहीं ये नहीं थी सब ये अभी मतलब एक साल से हुआ है पहले जो था वेट मेरा 90 था 90 के बाद एकदम से ये 6-7 साल में 180 तक आ गया 28 तक से ट्राई किया उसमें मेरा मोस्टली जब मेरा 90 केजी वेट था तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 केजी या 3 केजी कम हुआ था फिर मैं दुबई चली गई उसके बाद फिर उतना ही 100 केजी मेरा वेट हो गया उसके बाद मैंने बुक में ऐड देखा आदिनाथ का वो भी ट्राई किया उससे मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ा है हाँ लूज मोशन जरूर हो जाते थे बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता था उसके बाद फिर मैंने योगा भी ट्राई किया नोएडा में था ना एको नोएडा में अभी लास्ट ईयर मैंने बॉडी केयर भी ज्वाइन किया अभी मतलब कि सब जगह मेरे एक से लेके वीएलसीसी में मेरे 1,00,000 रुपए ऐसे ही चले गए हैं इसमें भी 60-70,000 रुपए मेरे ऐसे ही गए हैं वो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है आई थिंक वो नथिंग वाज सपोर्टिंग हर बॉडी एक्चुअली She was trying everything, walk भी कर रही थी वो सब के साथ में लेकिन but nothing was supporting. And this was the last solution for this. बस उसके बाद से फिर आपका देखा था नेट पे काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि यही एक लास्ट ऑप्शन है क्योंकि सब चीज करके ट्राई करके देख लिया था फिर हस्बैंड ने देखा तो फिर उन्होंने वो डिसीजन लिया कि करा लेते हैं अभी करा के अच्छा लग रहा है 5 दिन में 5 किलो लूज हो गया तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है बट अभी तो फील है इनको जो इनके हाथों पे स्वेलिंग थी अभी सब ये पैरों पे स्वेलिंग बिल्कुल चली गई जब से मैं यहाँ आई थी तो मैं 3 दिन में मेरे पैरों पे बहुत स्वेलिंग थी मतलब कि पैर में दर्द भी हो रहा था एक में उसके जॉइंट्स में तो जब से ऑपरेशन हुआ तो पूरी स्वेलिंग निकल गई है वो दर्द भी चला गया और मतलब कि हाथ पैर में लूजपन महसूस होता है बॉडी के अंदर वो टाइटनेस नहीं है We can see a lot of change actually in 1 week, almost fifth day. So we can see that she is also very happy. मेरी करा के अभी 1 week हो चुका है और 1 week में मेरा मेरे ख्याल से 6 किलो लूज मैं कर चुकी हूँ और लूज करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पूरी बॉडी एकदम हल्की हल्की लग रही है अभी से ही और बस ये है कि अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मैं अपना प्रॉपर शेप में आ जाऊँगी वीकनेस कोई और प्रॉब्लम कुछ नहीं वीकनेस बिल्कुल नहीं है कुछ चेंजेस फेस में दिख रहे हैं फेस में तो बहुत चेंजेस दिख रहे हैं हस्बैंड कोई पिक भेजे तो बोलेंगे काफी चेंज हो गया है पहला वाला फेस आने वाला है जल्दी तो उनका भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ काफी हो रहा है धीरे धीरे और मेरी एक फ्रेंड ने भी बोला है कि हाँ अभी तेरा देख के मैं भी अभी शुरू करती हूँ अपने पैसे जोड़ के मैं भी जाती हूँ सर के पास मैं सर्जरी करा के बहुत हैप्पी हूँ जैसा मेरे फेस से भी दिख रहा होगा और 2 वीक्स हो गए मुझे सर्जरी करा के और अब तक मेरा 12-12.5 केजी कम हो चुका है और बहुत ही मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं जाके कोई सा भी डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ और मैं सब कर सकती हूँ मैं बहुत खुश हूँ मेरे फेस से भी लग रहा होगा सभी लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आपने सर्जरी करा के बहुत अच्छा किया शुगर का क्या स्टेटस शुगर मेरी एकदम नॉर्मल है पहले क्या था पहले तो मेरा उसके लिए मैंने मुझे डॉक्टर ने इंसुलिन स्टार्ट कर दिया था 2 mg का वीक में 1 टाइम कि आप एक इंजेक्शन लीजिए ताकि आपका वेट भी कंट्रोल रहे वो भी हो मगर उसके लेने के बावजूद तो मेरा वेट 128 पहुंच चुका था मगर अभी जब से सर्जरी कराई उसके बाद से शुगर नॉर्मल है बीपी मेरा नॉर्मल है खाली एक प्रिकॉशनली मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं हाफ जो सर ने बोला है वो ले लो पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे लेनी चाहिए पर मैं वो ले रही हूँ पर बीपी का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मैं चलने में मेरा बहुत सांस लेना पड़ता था मैं वॉक कर रही हूँ
एक राउंड लेना मेरा भारी हो जाता था कि मैं चलते चलते एक लंबा सांस लूँ फिर मैं चलूँ आगे, मगर अभी मेरा मन करता है कि हाँ मैं अभी मुझे पैदल आप कहीं भी ले जाओ, मुझे घुमा दो पूरा शहर में घूम सकती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो जो कॉमन मिथ थी या आपके मन में था कि वीकनेस आ जाएगी सर्जरी के बाद? एक्चुअली सब ने बोला था, मेरे फ्रेंड ने ही बोला था कि नहीं आप बेरियाटिक सर्जरी नहीं कराओ, मेरे फ्रेंड ने कराई है, बहुत प्रॉब्लम है उसको, ये लगता है वो लगता है, मगर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा कोई डर है मेरे मन में कि मुझे आगे चले कुछ प्रॉब्लम होगी, पर हाँ मुझे जितना पॉजिटिव महसूस हो रहा है अपने बॉडी के अंदर वो बहुत अच्छा हो रहा है, उसका नो डाउट मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है ये है। स्नोरिंग या कोई और चीज़? हाँ स्नोरिंग मेरा कम हो गया है, कम हो गया। हस्बैंड तो आपके बोल रहे थे खत्म हो गया। वो पता नहीं अभी अभी हस्बैंड के पास मैं गई नहीं, अब जब जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा, पर हम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सोते सोते कि नहीं मैंने लिया है खराटे लिए हैं, पर वो अब मुझे महसूस नहीं होता है। हाँ आपका सोते सोते उठ जाते थे ना? हाँ कभी कभी क्या होता हाँ। था बताएंगे? मतलब कि धीरे सो रही हूँ सोते सोते एकदम से तेज एकदम खराटे आना तो मेरी नींद खुल जाती थी, और फिर सुबह में भी वो एनर्जेटिक नहीं रहते थे। मैं मतलब कि अभी गए 7-8 महीने मेरा ये हाल था कि मैं क्यों उठ रही हूँ सुबह हस्बैंड के लिए खाना बनाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजना मेरे लिए टास्क हो गया था। स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको, जो सोते सोते एकदम से बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और जो घबराहट होकर जो नींद खुलती है हाँ, पल्पिटेशन मेरा कम हो गया है, वो एक काम हो गया है, कभी कभी थोड़ा होता है पर अभी बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं तो पहले हमेशा कुछ भी अगर मैंने खाया तो मैं ऐसा लगता था कि यहीं धड़क रहा है दिल मेरा, नींद भी मुझे उतनी नहीं आ रही है कि मैं पहले तो लेट नाइट सोती थी, सुबह उठने को नहीं होता था, मगर अभी सुबह 6 बजे मेरी आँख ऑटोमेटिकली खुल जाती। हाँ पहले तो सारा दिन ऐसा क्या होता सुस्त, मतलब कि एकदम बॉडी एकदम सुस्त, कुछ करना है अगर मुझे कुछ नया करना है तो उसके लिए मुझे सोचना प्लानिंग करनी पड़ती थी 2 दिन की, नहीं चलो आज करती हूँ, नहीं चलो आज करती हूँ, फिर एक दिन करूँ, चलो कब तक आप वो लेजीनेस फील करो कि आप कर ही लो, तो वो एक नहीं है अभी। अभी तो मैंने काफ़ी अच्छा मतलब कि लोगों को मैंने बना के खाना खिला भी दिया, जो इसका शौक है सब बोलते हैं तू खा नहीं रही है पर तू बना रही है, मैंने कहा नहीं मैं बना के खिला सकती, ये मेरा पैशन है मैं नहीं छोड़ सकती,